देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच गुजरात में डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के साथ साथ मौत के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे हमारा और आपका डर लाजमी है। महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना से सबसे अधिक कोई राज्य प्रभावित है तो वो है गुजरात। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि महज 5 दिन में गुजरात कोरोना प्रभावित राज्यों के लिस्ट में 6 नंबर से सीधे 2 नंबर पर आ गया है। वहीं राज्य में अब तक 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और मरीजों के ठीक होने की दर भी सबसे कम है। प्रदेश में अब तक 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अहमदाबाद में है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम कमिश्नर विजय नेहरा की माने तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो 31 मई तक कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख हो जाएगी। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि अहमदाबाद में 17 अप्रैल को 600 केस थे जो 20 अप्रैल को बढ़कर 1200 हो गए। 24 अप्रैल तक ये संख्या 2600 के पार पहुंच गई है, यानी हर 3 दिन में केस 2 गुने हो रहे हैं। पहले ये 4 दिन था। अगर ऐसा रहा तो 15 मई तक केस 50,000 और 31 मई तक 8 लाख केस हो जाएंगे। वाकई ये बेहद डरावना है। इस पर लगाम लगाने की ओर ध्यान खींचते हुए नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इसे 8 दिन तक ले जाया जाए। साउथ कोरिया जैसे देशों में केस के 2 गुना होने की रफ्तार को 8 दिन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो 15 मई तक हमारे यहाँ 10,000 केस होंगे। आपको बता दें बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के टेस्ट के लिए सरकार ने बुधवार से COVID-19 मोबाइल टेस्टिंग वैन को सड़क पर उतारा है। इन वाहनों को सबसे पहले अहमदाबाद जिले में लगाया गया है जहाँ ये अब गाँव और तालुका के स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग का काम करने में जुटी हुई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।